में जनन में पहला क्वेश्चन है, इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तकनीक में निषेचन होने पर, ठीक है, युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता इन है। और दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं क्योंकि शिशु का विकास परख नली में होता है। तो कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? तो शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, शरीर के बाहर, ठीक है, कृत्रिम निषेचन इन विट्रो निषेचन कहलाता है। ठीक है, यदि निषेचन के लिए शुक्राणु अंडवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे ऐसे में चिकित्सक ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसमें IVF अथवा इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ठीक है, IVF तकनीक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर निषेचन हो जाता है तो ठीक है, युग्मन जाइगेट को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, इसके पश्चात तो उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अतः कथन क्या है? एक सही है। ठीक है, माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म, ठीक है, सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रकनली शिशु कहते हैं, यह कथन मिथ्या है क्योंकि शिशु का विकास प्रकनली में ही नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये कथन जो है पहला सही है, दूसरा की बात करेंगे गलत। जनन का पहला निषेचन, ठीक है, जनन का पहला निषेचन कहलाता है, जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। शुक्राणु और अंडाणु शल्यान निषेचन कहलाता है। सभी अंड प्रजक, ठीक है, जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, बताइए कौन सा ये? तो केवल पहला सही है, ठीक है, क्योंकि सभी अंड प्रजक, ठीक है, अंड प्रजक में क्या होता है? जिसमें अंडा के द्वारा निषेचन हो, जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर से बाहर, सारे में नहीं होता। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। कथन क्या है? सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कथन एक सही है, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिका के उदाहरण है, इनका संलयन निषेचन कहलाता है। इनके परिणाम स्वरूप युग्मन का निर्माण होता है। युग्मन लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता है, तब पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होकर, ठीक है, विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। ये विकसित संरचना भ्रूण कहलाती है। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। इस विकास काल में भ्रूण की यह अवस्था है जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। ठीक है, वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, जरायुज, ठीक है, जरायुज कहलाते हैं जंतु अथवा अंडे देने वाला, ठीक है, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। कथन दो गलत है क्योंकि कुछ अंड प्रजक जंतु में निषेचन शरीर के बाहर तो कुछ के शरीर के अंदर होते हैं। आप देखें कैसे, तो मुर्गी में आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, अनेक जंतु मेढक टोड मछली स्टार फिश इत्यादि में निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। शुक्राणु अंड कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसे नर एवं मादा युग्मों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाहर निषेचन विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। आप चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है, बताना है। ठीक है, मुक्कलन सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मुक्कलन जिसको बडिंग कहते हैं, अमीबा की जनन प्रक्रिया है। द्विखंडर बाइनरी फ्यूजन की बात करें, हाइड्रा की जनन प्रक्रिया है। कांतन की बात करें, मेटाफॉर्मिस, ठीक है, मेटामोर्फोसिस, क्या तो मेटामॉर्फोसिस लार्वा के उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलता है, बताइए कौन सा ही है? तो निम्नलिखित कौन सही है? तो केवल तीन सही है, ठीक है, क्योंकि द्विखंडन बाइनरी किसमें होता है? मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे देखें गलत है, ठीक है, कौन कौन, केवल इसका तीन सही है। हाँ, पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है, एक होता है लैंगिक होता है, दूसरा होता है अलैंगिक होता है। जनन का वह प्रकार जिसमें जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां है, ठीक है, मुकुलन और द्विखंडन की बात करेंगे, किसका अलैंगिक का एग्जाम्पल है। बात करेंगे हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन प्रक्रिया से होता है। हाइड्रा में किसके होता है? तो हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन की वजह से इसमें होता है। तो अमीबा में किसके वजह से होता है? द्विखंडन की वजह से होता है। उल्टा कर दिया इसीलिए गलत हो गया, ठीक है, प्रक्रिया में तथा अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन प्रक्रिया से होता है, अतः युग्म एक और दो दोनों गलत है। लावा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या अंतरण कहलाती है, ठीक है, इसलिए तीन क्या है आपका? सही है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, ठीक है, क्लोनिंग के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसी स्वरूप कोशिका या किसी अन्य कोशिका का भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप में उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उत्पन्न क्लोनिंग डॉली नामक एक मादा भेड़ थी, ठीक है, ध्यान रखें डॉली एक फीन,
डॉर्सेट फेयर मतलब फिन डॉर्सेट शिप की क्लोन थी, बताइए क्या सही है? तो सही ध्यान रखिए तीनों के तीनों सही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेयर जो था, जो जिसको क्लोन किया गया उसका नाम क्या था? डॉली, ठीक है। अब चलिए इसका डिजिटल देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से हो सकती है, ठीक है। उपायुक्त तीनों कथन सही है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव की कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम इयन बिलमटन और उसके सहयोगी ने, ठीक है, एडिनबर्ग के स्कॉटलैंड के, ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन किया जिसका नाम था डॉली। तो डॉली तो बहुत पॉपुलर हो गई है, आपके एग्जाम में पूछेगा बताओ किसने किया था, तो क्या बताएंगे? किसने किया था? इतनी भी शांति अच्छी नहीं बिलमटन होती है, ठीक है, एडिनबर्ग ठीक है। किसने किया था? इयन और विलमट। किसने किया था? इयन और विलमट ने बिलमटन किया था, ठीक एडिनबर्ग है। और उनके सहयोगी ने कहाँ पे किया था? एडिनबर्ग में किया था। ये एडिनबर्ग कहाँ पे पड़ता है? स्कॉटलैंड के, ठीक है, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड पड़ता है। स्कॉटलैंड के किस इंस्टीट्यूट में? तो रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ का रोजलिन सफलतापूर्वक क्लोन किया जिसका नाम क्या रखा गया? ठीक डॉली है, डॉली। तो डॉली का मम्मी का नाम क्या था? तो ध्यान में रखे उसका नाम था फिन डॉर्सेट। क्या नाम था? उसकी माँ का नाम क्या था? ठीक है, फिन डॉल्फिन डॉर्सेट। इस प्रक्रिया में फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की अस्तन ग्रंथियों ली गई कोशिकाओं के केंद्रक को, ठीक है, स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटिश ब्लैक फेस से ली गई, ठीक है। इसके पिताजी का नाम क्या है? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईब। ब्लैक माता का नाम फिन डॉर्सेट, ठीक है। बच्चा का नाम क्या पड़ा? डॉली, ठीक है। तो माता पिता का भी नाम याद होना चाहिए, जहां मैं पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या किया? एक अंडकोशिका को केंद्रक के स्थान पर स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंडकोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईब से रोपित किया गया। बाद में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईब ने डॉली को जन्म दिया। अरे सर गलती बता दी, ये माँ है वो पिता है, ठीक है। परंतु डॉली थी डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिसके केंद्रक से लिया गया। चूंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईब के केंद्र को अंडकोशिका से हटा दिया गया था, इसलिए डॉली में उसके कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। तो डॉली फिन डॉर्सेट फेर की क्लोन थी, ठीक है, फिन डॉर्सेट की क्लोन मतलब ये साबित है, ठीक है। तो दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक फिन डॉर्सेट था, तो दूसरा क्या था? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव था, ठीक है। दोनों से मतलब क्या हुआ? तो आपको डॉली मिलती है, हालांकि डॉली किसकी थी? तो डॉर्सेट नामक भेड़ की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलेंगे आगे, ठीक है, 10वां चैप्टर जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था इंग्लिश में किस शब्द होता है? किशोरावस्था के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? एडोलसेंट एडोलसेंस होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एडोलसेंस का उम्र क्या होता है? 14 वर्ष के बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे उससे पहले बालक होता है 14 वर्ष से पहले, उसके बाद 14 प्लस के बाद एडोलसेंस, ठीक है। और जब 18 प्लस हो जाए तो फिर हर राज्य में अलग अलग एग्जाम्पल। लैंगिक हार्मोन की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, यह मानव शरीर की में गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है। इस प्रकार के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सा फिर कथन गलत सही दिया है यहाँ है, पे एस्ट्रोजन ठीक है, ध्यान में पूछा रखेंगे। तो सॉरी एक दो बताना तीन गलत सही है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, ठीक है, कोई दिक्कत दूसरा नहीं है। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, बिल्कुल सही। गलत एस्ट्रोजन जो है नर गलत हार्मोन है, है ये ये एस्ट्रोजन नहीं उल्टा प्रोजेस्टेरोन नर हार्मोन से ना, उल्टा दिया है। हाँ टेस्टोस्टेरोन ऐसे करें अच्छा ठीक है। बाकी का मास्टर ग्रंथि तो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, जो कि सारे को नियंत्रण करता है, ये तो ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में देखते हैं क्या देखेंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन लिया मादा तथा टेस्टोस्टेरोन नर, हाँ गलत है वो, टेस्टोस्टेरोन नर में जाएगा, ठीक है, उल्टा कर दिया, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या होगा? मादा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये आपका मादा है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कैसा हो जाएगा? नर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 सही है, जो कि ऐसा कोई नहीं, 1 और 3 सही है, सॉरी सॉरी मैं तो गलत टिक लगा दिया ना, ठीक है, 1 3 सही, सही तो है, क्या दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, 1 3 सही, मैं टिक गलत लगा दिया था, क्या होगा? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन कैसा है? मादा है। और टेस्टोस्टेरोन कैसा है? नर है। प्रोजेस्टेरोन कैसा है? प्रोजेस्टेरोन वो भी फीमेल वो भी फीमेल है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो नर होता है, ठीक है, बाकी तो सब सही है। उसके बाद बात करेंगे,
और लैंगिक हार्मोन का उत्पादन का नियंत्रण एवं अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी के से स्रावित होता है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण भी रखता है, ठीक है। आगे मिलाइए, ठीक है। अग्नाशय की बात करेंगे, इंसुलिन, ठीक है। थायरॉइड कहाँ पे जाएगा, थायरॉइड पिट्यूटरी, थायरोक्सिन, 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 ठीक है। अधिवृक्क, अधिवृक्क वृद्धि हार्मोन, एडेलिन, और पीयूष वृद्धि हार्मोन, गलत नहीं लगाया। पीयूष ठीक है, मतलब ऑप्शन क्या होगा इसका, डी, डी में 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। मतलब थायरॉइड किस में जाएगा, थायरोक्सिन में। अग्नाशय में क्या होगा, इंसुलिन का होता है, अधिवृक्क एडेलिन, और पीयूष में क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन देखेंगे, थायरॉइड थायरोक्सिन का, अग्नाशय इंसुलिन का, अधिवृक्क एडेनिन का, एडेलिन हार्मोन उत्पन्न करते हैं, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करते हैं, तथा अन्य ग्रंथि वृषण अंडाशय थायरॉइड और एडेनिन को हार्मोन को स्रावित करने के लिए उद्दीपित भी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होता है, वसा शरीर के वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। तो ये तो उल्टा दे दिया ना, प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए, वसा ऊर्जा के लिए होता है, तो इसीलिए कौन सही है, एक और दो सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूध अपने आप में संतुलित आहार है, इसीलिए मिल्क को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड, इसलिए रात में सोने से पहले कहा जाता है किसी भी तरह से दूध पी के ही सोना, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लौह प्रचुर खाद रुधिर निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। अब बासा शरीर में, ठीक है, ऊर्जा के लिए, प्रोटीन शरीर के बिल्डिंग के लिए, ठीक है, इसलिए प्रोटीन को निर्माण के लिए जरूरत है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका दो सही है, मतलब तो एक दो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे आते हैं, जब निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज में, ठीक है, एक्स गुणसूत्र हो गया तो मादा शिशु विकसित होगा, मतलब एक्स एक्स मिलने पे, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता नर होगा, पुरुष की एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिसमें एक्स और वाई कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। शिशु के, ठीक है, शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, जिसमें महिला गुणसूत्र का कोई भूमिका नहीं होती, तो सारा सही है ना, गलत भी है, अरे बताइए, गलत लग रहा है क्या इसमें, लग रहा था। मेरे हिसाब से सारा सही लग रहा है इसमें, और सारा सही है भी, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं है। कहानी सुन लीजिए, क्या होता है, सभी मनुष्य में कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इनमें से दो गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है, जिनमें एक से मैं वाई कहते हैं, लिंग सूत्र में क्या आएगा, लिंग निर्धारण करने के लिए कौन सा सूत्र, 22 जोड़ा, तो महिला पुरुष में एक एक मतलब बराबर है, महिला पुरुष में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जो होता है लिंग निर्धारण के लिए होता है, ये किसमें पाया जाता है, 23वां जोड़ा पुरुष में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसमें पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। स्त्री में एक्स गुणसूत्र, जबकि पुरुष में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है, युग्मक में, ठीक है, गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, और निषेचित अंडाणु जब हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे प्रकार का वाई होता है, जब एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करके युग्मक में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तो मादा होगी, वाई गुणसूत्र वाला अंडाणु का निषेचन होगा तो युग्मक में एक्स वाई गुणसूत्र होगा तो नर होगा। इस प्रकार समझा जा सकता है कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवारी किसकी होती है, पुरुषों को होती है न कि महिलाओं की होती है, ठीक है। एड्स एक खतरनाक संक्रामक बीमारी है जिसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये बीमारी खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है, तो एक एड्स में जीवाणु की नहीं होती है, किसका होता है, विषाणु की होता है, किसका होता चाइनीज है, विषाणु, तो गलती हो गया ये, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के इस्तेमाल की जाने वाली वायरस, सिरिंज द्वारा भी फैल सकता है, सही है। पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से फैल सकता है, बिल्कुल, पीड़ित माँ के दूध के सेवन से व्यक्ति वस्तु शिशु में फैल सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तिमनी को नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब एक और चार मतलब क्या है, गलत है, ठीक है। गलत है। पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैलता है तो फैलता है, ठीक है, वही में फैलने को लेकर था, तो ये भी फैल सकता है, ये बीमारी खतरनाक बीमारी जो कि जीवाणु के द्वारा नहीं विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बाकी दूसरा जो है सही है, अगर ड्रग के इस्तेमाल करेंगे तो भी फैलेगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट जो एक और चार जो है क्या है,
सही है, ठीक है। जबकि चार गलत है, क्योंकि पीड़ित माँ के दूध के सेवन से शिशु में वायरस प्रवेश करता है तथा शिशु भी एड्स से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, आप चलते बल तथा दाब। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क, असंपर्क का मतलब नॉन कंटेक्ट बल का उदाहरण है, बताइए। नॉन कंटेक्ट बल का उदाहरण कौन सा है? घर्षण बल, कंटेक्ट होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, कॉन्टैक्ट गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, क्या होगा? कॉन्टेक्ट बल में कौन कौन से टू और थ्री, आएंगे? ठीक टू है, थ्री 2, 3, 4 कौन से आएंगे? 2, 3 बॉल। ठीक है, बात करेंगे नॉन कंटेक्ट बल में 2, 3 एंड 4, पेशीय बल में पेशी के द्वारा लगाया जाएगा तो कनेक्ट तो होगा ही। ठीक है, घर्षण बल में क्या होगा? तो घर्षण बल में, ठीक है, इसमें भी कनेक्ट होगा। ठीक है, 2, 3, 4 में नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे, देख लेते हैं, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है वहां से। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल तीनों असंपर्क नॉन कंटेक्ट बल के उदाहरण है। यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है। घर्षण तथा पेशीय बल संपर्क बल के उदाहरण है। इन बलों के लगने के लिए वस्तु के संपर्क में आना जरूरी है। घर्षण तभी होगी जब दो वस्तु आपस में क्या करेंगे? टकराव करेंगे। पेशीय बल में सेम कंडीशन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, बॉल को, ठीक है, जोर से फेंकने पे ऊपर चला जाता है, इसमें कौन सा बल लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, है? बॉल को गुरुत्वाकर्षण, पोटेंशियल फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा उसमें, पेशीय नहीं लगेगा। डिफरेंस, स्पेसिफिक बल लगेगा बल को ठीक है, ध्यान फेंकेंगे में तो। रखेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, हम लोग पृथ्वी पे चल रहे कौन फोर्स की वजह से चल रहा है? फ्रिक्शनल मतलब घर्षण बल और ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण और बल। घर्षण दोनों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत, आप चलेंगे आगे। ठीक है, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, विश्व के सभी वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है, कौन सा कथन सही है? दो और तीन, ठीक है, 2, 3 सही दो है। और ठीक थ्री है, ध्यान में, सही गुरुत्व बल केवल पृथ्वी पे नहीं है, बहुत जगह पे है। ठीक है, अब विश्व के सभी वस्तु एक दूसरे पे गुरुत्व बल है। अच्छा लगाती है। ठीक है, अभी न्यूटन साहब के नियम किस पे आधारित है? दूसरा अरे मतलब गुरुत्व बल पे एग्जाम्पल है, मतलब सेब जो था बल। धरती पे ही, उनको दिमाग में आया भाई जो सेब जो है मतलब जमीन पे ही क्यों गिरा, ऊपर उड़ के चला जाना चाहिए। तो उन्होंने देखा भाई जो पृथ्वी के पास क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए वस्तु को अपने तरफ क्या करती है, दूर खींचती है कि भगा देती है? दूर खींचती है। ठीक है, मतलब पास अपने पास बुलाती है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से एक कथन गलत है, क्योंकि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व के सभी वस्तुएं चाहे वह छोटी बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। ठीक है, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों के पानी के नीचे की ओर बहना, 2, 3 सही है। ठीक है, अब आते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? घर्षण। घर्षण हमारे लिए अच्छा है कि घर्षण हमारे लिए खराब होता है? घर्षण ये नेसेसरी एविल बोलते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब नेसेसरी इविल है, मतलब खराब भी है और अच्छा भी, डिपेंड करता है घर्षण लग कहाँ पे रहा है। जैसे हम लोग कागज पे लिख रहे हैं तो घर्षण की वजह से लिख रहे हैं, घर्षण अगर नहीं होगा तो लिख नहीं पाएंगे। कहाँ पे नहीं लिख पाएंगे? तो आप जाइए प्लास्टिक पे जाएंगे लिखने तो नहीं लिख पाएंगे, बर्फ पे नहीं चल पाएंगे, लेकिन घर्षण की वजह से आप चल पाते हैं। लेकिन घर्षण अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे जगह पे उत्पन्न हो जाए जहाँ पे आप सकता नहीं, जैसे बाइक के चक्का में घर्षण हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में बाइक का चक्का आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसे लुब्रिकेंट डालते हैं। ठीक है, तो घर्षण जरूरी भी है और अनावश्यक भी है। ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ पे जरूरी है और कहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये मैटर करता है। ठीक है, चलेंगे इसको डिटेल्स में जरा देखते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये होगा, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से विचार करें। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने में घर्षण में वृद्धि हो, ठीक है। ध्यान रखें, तरलों द्वारा लगाए घर्षण को कर्षण कहते हैं, तरलों द्वारा लगाए घर्षण को कर्षण ड्रैग नहीं कहते होंगे। सर्पी घर्षण स्लाइडिंग ठीक फ्रिक्शन स्टैटिक घर्षण से कम होता है, ये सही भी गलत लग रहा है, केवल एक दो है, सही सही नहीं, सही है। है। सर्पी का स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण, हाँ ठीक, सर्पी है ना, ठीक है, एक दो फिर चार ऐसा ऑप्शन है क्या? तरलों तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही द्वारा है। ठीक लगाए घर्षण को कर्षण कहते हैं, तरलों द्वारा लगाए घर्षण को कर्षण ड्रैग, मुझे तो गलत लग रहा है, देखते क्या इसका आंसर। हाँ भाग गया भाई, ठीक है, इसका आंसर लिया है, इसका आंसर लिया है डी, उपयुक्त तो सभी कथन सही है। अच्छा सर सी भी होगा, सर सी भी होगा, थ्री अच्छा सी सी भी होगा, ठीक, थ्री ये सही है, ये सही, ये सही, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सारे के सारे सही है। जी सर। सॉल्यूशन जरा देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
उपायुक्त तो सभी कथन सही है। दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंत संबंध, ठीक है, इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण होता है। यह हमारे दैनिक जीवन की बहुत अधिक महत्व रखता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यदि घर्षण ना हो तो पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते, मैंने पहले ही बताया। घर्षण के कारण माचिस की तीली रगड़ने पे आग पकड़ लेती, इसलिए पता चलता है घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करती है। अरे ठंडा का समय भी देखेगा, दो व्यक्ति जल्दी जल्दी हाथ को रगड़ते रहता, क्यों रगड़ते रहता? थोड़ा सा घर्षण पैदा हो, नहीं है कि नहीं? नहीं देखते दोनों हाथ के तहत को आपस में रगड़ते रहता है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों में मिट्टी तथा जिमनास्ट अपने हाथों पर, ठीक है, कोई रुई पदार्थ लगाते हैं, रुच पदार्थ लगा, ताकि घर्षण में वृद्धि हो सके, अच्छी तरह से पकड़ सके, ठीक है। इसलिए बैट में हम लोग क्या लगा देते हैं, रबर का नहीं लगाते बैट में, ठीक है, क्रिकेट बैट में नहीं देखते रबर का ग्लव, क्या बोलते उसको, कुछ तो बोला जाता है, लगाते हैं रबर का, ताकि ग्रिप घर्षण ग्रिप बढ़े। ग्रिप ग्रिप, वेरी गुड। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नैक बोलते हैं, इनको लुब्रिकेंट बोलते हैं। कहाँ पे लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है, तो लुब्रिकेंट का प्रयोग गाड़ी में करते हैं। ग्रीस जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, ग्रीस, हम लोग ग्रीस कहते हैं उसको, ग्रीस लगा दीजिए, चक्का नहीं चल रहा सही से, ठीक है। बॉल लगाते हैं, क्या, नॉट बॉल लगाते हैं, बॉल बॉल नहीं होता, बॉल्स, बॉल सॉकेट, ठीक है। जल तथा अन्य द्रव भी इनसे गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, तरलों द्वारा लगाए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है, तो उस पर सर्पी घर्षण करते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब मान लीजिए सिलेंडर है, मम्मी लोग बोलती थी गैस भरा के ले आओ, तो हम लोग हाथ में उठा के ले जाते थे, क्या जानते थे सिलेंडर अपना संपत्ति नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बदले में दूसरा देगा, तो लात से मार मार के ले जाते थे। उसमें देखिए ना, कम फोर्स लगाना पड़ता था, एक बार लात से मारे तो बहुत आगे तक चला जाता था। और उसी को जब उठा के जब ले जाते थे घसीट के, तो उसमें लगता था ज्यादा फोर्स लगता था, ठीक है, नहीं लगता था। तो सर्पी घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण से मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब बताए लोटनिक का और भी कम होता है, लोटनिक स्थैतिक और सर्पी घर्षण के बलों का घटते क्रम, तो सबसे कम लोटनिक में, फिर सर्पी में, फिर स्थैतिक में, घटते क्रम पूछ रहा है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ज्यादा से कम की ओर, तो ज्यादा स्थैतिक में लगेगा, फिर सर्पी में, फिर लोटनिक में, लोटनिक में सबसे कम। स्थिर सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरकती है, तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता, ठीक है, कि वह सतह के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु को सतह पर सरकने के अपेक्षा लुढ़कना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ध्यान में, लोटनिक घर्षण कम, फिर सर्पी, या फिर मतलब स्थैतिक होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। घर्षण का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की बात करेंगे, साउंड्स। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात सभी में संचरण करता है, तो क्या निर्वात में ध्वनि का संचरण हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, वैकम्प में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ध्यान रखें। इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसके माध्यम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे माध्यम होता नहीं निर्वात में, इसकी तीव्रता प्रबलता डेसीबल में मापी जाती है। मानव कानों के लिए सबे आवृत्ति की परास 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है, कौन सा ही है इसमें, ठीक दो और तीन है, सही तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है। कथन एक गलत है, क्यों गलत है भाई, तो क्योंकि ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस में होता है, निर्वात में संचारित नहीं हो सकता। कथन दो सही है, क्योंकि इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंगों के प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या का दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तथा संकेत एचजेड होता है। एचजेड आवृत्ति 1 डोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, जहां एक तरफ 20 डोलन प्रति सेकंड, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकता, वहीं दूसरी तरफ 20,000 डोलन प्रति सेकंड, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति ध्वनिया भी मानव कान को नहीं सुन सकती। मतलब मानव सुन सकता है 20 से लेकर 20,000 के बीच में, ठीक है, ना तो 20 से कम का सुन सकता है, ना तो 20,000 से ज्यादा का सुन सकता है, ठीक है। ऐसी ध्वनि को अश्रव्य बोलते हैं, कि अश्रव, अश्रव का मतलब जिसे सुना ना जा सके, ठीक है। अश्रव्य का मतलब क्या होता है, जिसे सुना जा सकते, तो सुनते हैं किसको, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्लियर। कुत्तों की क्षमता, पुलिसकर्मी ऐसी ऊंचा वृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली, ठीक है, सीटियों का उपयोग करते जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मानव नहीं सुन सकता, ठीक है। अनेक अनेक चिकित्सा उत्पन्न भी, ठीक है, अनेक चिकित्सा उपकरण में 20,000 से अधिक ध्वनि के कार्य के ऊपर कार्य करते, कुत्ता वगैरह सुन लेता है, इसलिए भूकंप वगैरह जब आता है ना, तो
ध्वनि ऐसे ध्वनि को उत्पन्न करता है भूकंप जो अश्रव्य होता है, ठीक है। कुत्ता लोगों को सबसे पहले पता चल जाता है, इसलिए वो लोग धामा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते। देखिएगा अगर गांव देहात का सारा कुत्ता अगर भागना शुरू कर दे, अनयूजुअल एक्टिविटी होने लगा है, तो समझिएगा से क्या होगा, भूकंप आने वाली है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ऐसे कुछ होने वाला है, ठीक है। तो वो लोग फील कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए हमसे वो ज्यादा समझदार है। ध्वनि के तारत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कर, तारत्व का मतलब पिच, ठीक है, ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करता है। पक्षी उच्च तारत्व का ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर का दहाड़ का तारत्व मंद होता है, ठीक है। सामान्यतः महिला पुरुष के अपेक्षा में अधिक तारत्व वाली होती है, ठीक है। तो सारे के सारे सही है। अरे अरे महिलाओं की बोली या फिर मतलब पक्षियों की बोली, ठीक है, अच्छा क्यों लगता है, रीजन क्या है, मतलब उसमें तारत्व की बात करेंगे ना अधिक होता है, ठीक है। जबकि शेर का तारत्व क्या होता है, शेर दहाड़ता है लेकिन उसका तारत्व क्या होता है, मंद होता है। जो भी चीज में कर्कश आवाज लगे तो समझिए उसका तारत्व क्या है, मंद है। जिसका मधुर आवाज लगे उसका समझिए तारत्व क्या है, उसका उच्च है, ठीक है। अब इसमें कौआ का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसका, तो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। पक्षी का उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर निम्न होता है। महिलाओं की आवाज की बात के पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वही है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल है। इसी प्रकार वाद्यों में ढोल मंद आवृत्ति तथा सीटी में, ठीक है, उच्च आवृत्ति की होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तो ये सारा चीज ध्यान में रखेगा, पक्षी की ध्वनि का तारत्व उच्च तथा शेर की ध्वनि का तारत्व क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है, समझ गए। आ गया, तो उल्टा मत कर दीजिएगा पंछी, और देखिएगा अगर शेर तो जोर से बोलता है तो उसमें अधिक होना चाहिए, नहीं उसमें निम्न होता है, ठीक है। हम लोग जो सोचते हैं ना, साइंस उसका उल्टा काम करता है, ठीक है, इसीलिए एग्जाम में लगे से नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, तो वो साइंस के हिसाब से होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। आगे चलेंगे, आकाश में तरित तथा मेघ गर्जन की घटना के एक समान 7 समान दूरी घटित होती है, लेकिन हमें तरित पहले दिखाई देती है तथा मेघा गर्जन बाद में सुनाई देता है, रीजन क्या है। तो प्रकाश के सभी माध्यम में संतारित हो सकता है, जबकि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, बताइए क्या सही है इसका। सही है, दोनों दोनों सही है, सही दोनों। व्याख्या भी करती है क्या, ठीक है, बी सही लेकिन है। सर स्पीड का भी तो अंतर होता है ना सर, हाँ लाइट बिल्कुल, का स्पीड तरित का ज्यादा पहले होती है। दिखाई देना, मेघ गर्जन के बाद में सुनाई देना, प्रकाश की चाल तथा ध्वनि चाल के कारण होता है। यहाँ पे तो लिखा तो है प्रकाश की चाल तथा ध्वनि की चाल के कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कई गुना होती है, जिसके कारण प्रकाश का संवेदन हम पहले करते जबकि ध्वनि का कुछ देर बाद। इसीलिए जब लाइटिंग जब होती है, बिजली जब चमकती है, तो पहले क्या सुना था, लाइट दिखाई देता है या फिर आवाज आती है पहले। टीवी लाइट दिखती है। शुरू कीजिएगा तो पहले आवाज सुनाई देगा कि पहले लाइट आएगा टीवी में। अरे आपके पास ना ब्लैक लाइट एंड व्हाइट आएगा। टीवी को देखिएगा ना, तो पहले उसका आवाज सुनाई देता है फिर उसमें लाइट होता है, उल्टा बोल रही है, ठीक है, पहले टीवी का आवाज सुनाई देता है फिर लाइट आता है, ठीक है। अब आज चलेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है। खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले डिब्बों के टीन में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेवंट क्या बोलते हैं, प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। टीन विद्युत लेवंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं। क्यों करते हैं, टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, और दूसरा क्या है, और कथन तो बता ही दिए, रीजन क्या है बताइए। तो बिल्कुल चीन क्या होता है, टीन की बात करेंगे तो लोहा से कम क्रियाशील है, ठीक है, और आर्य का सही स्पष्टीकरण। इसीलिए खाद्य पदार्थों के भंडारण के उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे की ऊपर टीन का मतलब क्या कर विद्युत लेपन करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुलों तथा स्वचालित वाहनों का प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संरक्षित होने या जंग लगने की प्रकृति होती है, ठीक है। तो संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लोहे का विद्युत लेपन जिंक की परत नीचे छिट किया जाता है, जिस प्रक्रिया को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजिंग ना, एसोनोलेपन हिंदी में कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन, तो क्या ये बात सही है, क्या यस सर, ये सच नहीं है, इसे दोनों कथन सही है, ठीक है, विकल्प भी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुलों तथा स्वचालित वाहनों का प्रबल बनाने के लिए उपयोग का लोहे का उपयोग होता है, यद्यपि लोहे के संरक्षण होने के तथा जंग लगने के लिए प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निपेक्षित की जाती है। अतः आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि कथन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं, ठीक है, मतलब ए आर का है, ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं था, बाकी स्टेटमेंट दोनों सही था। विद्युत लेपन किस प्रक्रिया को, दैनिक जीवन का अनेक उदाहरण होता है, उदाहरण के लिए कार के कुछ पुर्जों को, बाथरूम के नल की टोटी को, गैस के बर्नर को, साइकिल की हैंडल के पहियों के रिम पे क्रोमियम का लिपम किया जाता है, ये चमकदार दिखता है तथा संरक्षित नहीं होता, ठीक है।
हम लोग जो अपना ग्रिल वगैरह ठीक है खिड़की वगैरह को क्या करते हैं, रंग देते हैं, नहीं रंग देते हैं ये भी लोहे को मतलब संक्षारण से जंग लगने से बचाने के लिए। रस्टिंग की बात करेंगे किसके प्रक्रिया में हो सकता है, क्या क्या चीज चाहिए रस्टिंग के लिए? सर ऑक्सीजन और वाटर, मतलब पानी और बिल्कुल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। वाटर चाहिए रस्टिंग के लिए, ठीक है। तब लोहा में जंग लग सकता है, ठीक है। और जब लोहा में जंग लगेगा तो वजन बढ़ेगा कि कमेगा? पहले कम पहले बढ़ेगा, बढ़ेगा पहले बढ़ेगा सर। फिर कमेगा। पहले लोहा में वजन उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए कम जाएगा, ठीक है, बाद में, ठीक है। चलेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमक, घुला हुआ नमक विद्युत का अच्छा चालक है, बिल्कुल अच्छा चालक है। अगर विश्वास न हो तो 3 इडियट मूवी देख लीजिएगा, हमने पढ़ा था, इसने करके दिखा, एक डायलॉग है ना, यस सर। साल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था और इसने करके दिखाया रैंचो ने। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, आसुत जल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं होता है, ठीक है, आसुत जल जो होता है नहीं होता विद्युत का अच्छा चालक। पेयजल में खनिज लवणों की अपलवता में प्राकृतिक रूप से विद्वान होते हैं, इसीलिए ये भी विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। कथन गलत कौन है, कथन आसुत जल को दो इंग्लिश में क्या डिस्टिल वाटर कहते हैं, क्या डिस्टिल्ड डिस्टिल वाटर सर। यस वाटर, सर, ठीक यस है, तो ये सर। गलत है, आसुत जल वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मतलब तो नॉर्मल जल जो होता है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में, ठीक है, साल्ट वाटर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पे असत्य कथन की पहचान करें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी ऊर्जा की कम खपत करते हैं, प्रदीप्ति नालिका, फ्लोरोसेंट लैब, जिसको सीएफएल बल्ब जो कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं, ठीक है। संतत प्रदीप्ति लैब, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की बारे में बात हो रही, नहीं है ये सीएफएल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, क्या पूछ रहा है? संतत प्रदीप्ति लैंप, सीएफएल प्रदीप्ति नल का ट्यूबलाइट से ज्यादा ऊर्जा खपत करती थी, तो गलत है, ठीक गलत है, कथन असत्य पूछ है। रहा है, तीसरा हाँ ठीक है, सतत प्रदीप्ति लैंप सीएफएल की प्रकाश उत्सर्जक डायोड से भी ज्यादा खर्च करते हैं, गलत ठीक है, है, परंतु पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है, नहीं ये भी गलत है, है, ठीक है। तीन गलत है, और चार गलत है, कथन ठीक एक है आ सर, दो क्या है सही है। तीसरा वाला दिखाइएगा स्टेटमेंट, देखिए, सीएफएल सतत प्रदीप्ति लैंप सीएफएल प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा की खपत करती है, नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक करती है, तो है ज्यादा ऊर्जा की खपत, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट तो पहला स्टेटमेंट इसका, ज्यादा सीएफएल बल्ब जो होता है एलईडी से तो ज्यादा ऊर्जा लेता है, गलत इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है ये स्टेटमेंट के साथ डाउट हो सकता है, ठीक है, सोल्यूशन पढ़ेंगे तो समझेंगे। सर, हाँ क्योंकि ध्यान यहाँ क्लोरीन होता पे, है इसमें, इसलिए सर। बिल्कुल, हाँ, सीएफएल प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऊर्जा ज्यादा खपत करते हैं, साथ ही इनमें परा होने के कारण, ठीक है, परा होने के कारण पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसलिए कथन तीन गलत है, मतलब ये वाला यहाँ तक का स्टेटमेंट ठीक था, तो एलईडी से ज्यादा ऊर्जा सीएफएल लेता है, ठीक है, लेकिन पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है, तो एनसीईआरटी है, बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, बाकी इसका तीन और चार जो है सो सही है, ठीक है। सीएफएल प्रदीप्ति नालिका ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए कथन चार भी गलत। अब चलिए, क्या होता है उसमें, पारा होता है ना, क्या होता है पारा, यस मरकरी। इसलिए हम लोग इसे ना बोले मरकरी लाइट, शादी ब्याह में खूब जलाते हैं मरकरी, ट्यूबलाइट ना, मरकरी तो गांव देहात में भी मरकरी बोलते हैं, मरकरी, हमारे यहाँ तो गांव देहात में कोई ट्यूबलाइट बोलता है ना, मरकरी जला दो, बंद हो गया। अब आते कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, आवेश तथा उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सजातीय एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय, तो सजातीय करेंगे क्या एक दूसरे को आकर्षक? नहीं करेंगे, वस्तुओं के, ठीक है, वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, जबकि आवेश गति करते हैं तो विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। संपर्क, ठीक है, अर्थिंग द्वारा किसी आवेशित वस्तु का आवेश को पृथ्वी पर भेजा जाता है, बिल्कुल ठीक है, इसका केवल एक गलत है, ठीक है, सजातीय एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, विकर्षित करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के, जबकि विजातीय की बात करें, भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, न कि एक प्रकार का, ठीक है। अर्थिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं, अर्थिंग जो होता है जिसमें अर्थिंग देखे जमीन से निकालते एक रॉड डाल के, तो उसमें द्वारा किसी आवेशित वस्तु का आवेश को पृथ्वी से दूर भेज दिया जाता है, ठीक है। तरित की बात करें, लाइटिंग खोज किसे किया था, लाइटिंग का तरित चालक किसने बनाई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वेरी गुड, धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित धनात्मक आवेशों को मिलने से प्रकाश की चमकीली धारी हो तो ध्वनि के रूप में तरित होती है। बिल्कुल ठीक है। तरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया पृथ्वी, तरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकता है। भवनों का तरित प्रभाव से बचाने के लिए तरित चालक, ठीक है, लाइटिंग कंडक्टर नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दो और तीन सही है, इसका दो और तीन सही है, पहला वाला गलत है। तो पहला वाला गलत क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले, नहीं धरती ऋणात्मक नहीं होता, यही गलत होना चाहिए। ऋणात्मक आवेश बादलों के किनारे संचित धनात्मक आवेश मिलने से चमकीली धारियां तथा ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है। नहीं सर, दो धरती नहीं होगा सर, इसमें दो बादलों से होगा सर। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु के धाराएं ऊपर की ओर जाती है जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती है। इस प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश, ठीक है, ध्यान रखें, ऊपर में धनावेश होता है, ठीक, निचले किनारे में ऋणावेश संचित हो जाते हैं। धरती के निकट धनावेश का संचय, यही तो बोले, धरती के निकट धनावेश होता है, इसमें ऋणावेश दिया, वही बोले गलत है। ठीक है, धरती के निकट धनावेश का संचय होता है जबकि संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है। तो वायु जो विद्युतहीन चालक है, ठीक है, आवेशों के प्रभाव को नहीं रोक पाती, परिणाम स्वरूप ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं, प्रकाश की चमकीली धारियां तथा उत्पन्न हो जाती है, इसे हम तरित के रूप में देखते हैं। कथन दो सही है, तरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो अधिक बादलों के बीच तथा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। भवनों पर तरित प्रभाव से बचाने के लिए, ठीक है, तरित चालक नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस युक्ति को भवन निर्माण के समय दीवारों में उस समय ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु एक स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा, ठीक है, वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरों को जमीन में काफी गहराई तक दबा दिया जाता है। ठीक है, धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, सरल लत प्रदान करती है। जैसे उस पर गिरेगा धातु के छड़ पे, सारा आवेश को मतलब क्या करेगा, जमीन के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिससे मतलब बिल्डिंग के असर नहीं पड़ेगा, जिससे बिल्डिंग बच जाएगी, नहीं तो बिल्डिंग का वैमोह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई, इनमें से कौन सी परत भू स्पंद के लिए उत्तरदायी है, बताएंगे तो भूपरपटी। क्या होता है भूपरपटी? पृथ्वी की परत सबसे ऊपरी सतह गड़बड़ के कारण टर्मर्स होते हैं, जिसको भू स्पंद कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के इस परत को भूपरपटी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी की यह परत खंड के रूप में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है, प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर गति करते रहती है, जब एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर करती है तो प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और इस कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, यही विक्षोभ पृथ्वी पर क्या लाती है, तूफान या भूकंप? भूकंप क्या है, भूकंप लाती है। ठीक है, तो इसको कौन सा बोलते हैं, भूकंप? टेक्टोटेनिक प्लेट्स के टकराने से क्या आते हैं, तो भूकंप आते हैं। ठीक है, भू स्पंद पृथ्वी के सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, इन तरंगों का भूकंपी तरंग कहते हैं। इन तरंगों का भूकंप लेके सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड, एक सिस्मोग्राफ होता है, एक और भी भूकंप रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, केवल सिस्मोग्राफ से नहीं करते, क्या नाम उसका? रिचर स्केल और मार्कोनी स्केल। मार्कोनी स्केल, मार्कोनी, मार्कोनी स्केल, रिएक्टर स्केल पे तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, चलिए मार्कोनी स्केल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती है, तो वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। कश्मीर और कच्छ कारण भारत में अति भूकंप आकांक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो दूसरा वाला तो पता है, सही है, पहला वाला सही है क्या, कि दोनों सही है? दोनों सही है। ठीक है, बिल्कुल दोनों का दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। कश्मीर वाला क्षेत्र कहने का मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है, अभी तो हाल फिलहाल में आया भूकंप अफगानिस्तान में, हिमालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, और गुजरात का कच्छ का भूकंप कौन, भारत का सबसे अभी तक भयंकर भूकंप कहाँ पे आया था, कच्छ में आया था गुजरात का भूकंप, अभी तक सबसे भयंकर भूकंप है, भुज में। ठीक है, उपायुक्त तो दोनों कथन सही है, भुज कच्छ में ही पड़ता है। ठीक है, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती है, तो वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता के दृष्टि से चार जोन में बांटा गया, इंपोर्टेंट है, कितने जोन में बांटा गया भारत के भूकंप जोन को, फोर जोन। सबसे पहले कश्मीर, फिर पश्चिमी और तथा केंद्रीय हिमालय,
समस्त उत्तर पूर्व कच्छ कारण, ठीक है, राजस्थान का सिंध गंगा का मैदान अति भूकंप आकांक्षित क्षेत्र में आते हैं, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं, आप लोग इसको याद हो तो रख सकते हैं, ठीक है। चार क्षेत्रों में बांटा गया, कौन कौन है इसमें, कश्मीर, पश्चिमी क्या तथा केंद्रीय हिमालय, क्वेश्चन आ रहा है? नहीं पता हमको, ठीक है। समस्त उत्तर पूर्व कच्छ कारण, राजस्थान तथा सिंध के मैदान अति भूकंप आकर्षित क्षेत्र में आते हैं, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे क्षेत्र में आते हैं, इसलिए हम क्लास शुरू करने से बोलते हैं जो रह सकते वही रखे, जिनको जाना है चले जाइए, ठीक है, समझ गया। चलिए, भूकंप की शक्ति परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह पैमाना रैखिक रैखिक होता है, लीनियर होता है, इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थात लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशकारी ऊर्जा है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और ये सही है, ये सही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये पैमाना रैखिक नहीं होता है, कैसा होता है, तो फिर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लघुगणकीय होता है, ठीक है, लघुगणकीय होता है, क्योंकि रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है, ठीक है, कैसा, लघुगणकीय, क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक, लोग लॉग टेबल लॉगरिथम, में हाँ ठीक है, ध्यान, लघुगणकीय होता है। बाकी इसमें 2 अंक की वृद्धि होगी तो ऊर्जा कितना अधिक होगा, 1000 गुना विनाशी ऊर्जा होगा, ठीक है। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, बाकी किसी भी तरह का इसको समझ लीजिए, लघुगण के होने के कारण रिएक्टर पैमाने का अंकित 1 से 10 की संख्या में प्रत्येक अंक भूकंप मापी यंत्र पर 10 गुने आयाम तथा 32 गुने ऊर्जा वृद्धि को प्रदर्शित करता है, इसलिए परिणाम में 2 अंक की वृद्धि का अर्थात लगभग 1000 गुना अधिक विनाशकारी भूकंप है, अर्थात कथन 3 भी सही है, ठीक है। तो कितना से कितना होता है, या तो मैक्सिमम भूकंप कितना आ सकता है, 10 आएगा, विनाशकारी आएगा। कब होना, 6 के बाद अगर शुरू हुआ ना, तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग बाद बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाता है, ठीक है। नेपाल वाला में जो 7 आया था, फिर तो भाई बहुत स्थिति खराब हो सकती है, ठीक है। शरीर से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यदि आप कार या बस यात्रा करें तो वाहन की खिड़कियां में दरवाजे बंद कर लेने से आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे, यदि आप किसी खुले जगह पर तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, यदि आप आसपास कोई वृक्ष ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा, बताइए क्या सही है, दो गलत कि है सभी के सर, सब, दूसरा मुझे तो सारा ही नहीं गलत सर, लग रहा है इसमें, दूसरा अच्छा वृक्ष नहीं सर, जमीन पे लेटने केवल से दो हो सही जाएगा है, सर, अच्छा जमीन पे लेटने वाला शो हो जाएगा, नहीं नहीं पेड़ हाँ, के नीचे, असत्य कौन है ये, वृक्ष के नीचे खतरा होता है सर, फिर आप किसी खुले जगह पे तो किसी ब्रिज के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, ओ माय गॉड, ठीक है, कहानी समाप्त हो जाएगा अगर कोई ऐसा करे तो, ठीक है। यदि आप आसपास ब्रिज न हो तो जमीन पर सीमित कर बैठना सुरक्षित हो, बिल्कुल ठीक है। यदि आप कार या बस में यात्रा कर रहे हो तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लेने से आप मतलब सुरक्षित हो गया, ये कहाँ पे आता है, खुले जगह पे आता है, चौर वगैरह में आता है, ठीक है, जहां पे मानव बस्ती का अभाव वगैरह, तो वहीं पे गिरता है, ठीक है, इसलिए एग्जाम में बिजली गिरने से मौत हो गई, नहीं देखते हैं। कथन 1 सत्य है, तरित झांझा के दौरान बंद जगहों जैसे कमरा अथवा कार बस में जिनमें खिड़की एवं दरवाजे बंद हो सुरक्षित होते हैं, तरित झांझा के समय यदि आप खुले में हो तो ऐसे मैदान ऊंचे वृक्ष तथा ऊंचाई वाले स्थान पर सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, नहीं रहना चाहिए वहां पे, क्योंकि ऊंचे वृक्ष एवं ऊंचाई वाले स्थान तरित के गिरने के सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्र होते हैं, यदि आप जंगल में है तो बड़े वृक्षों की अपेक्षा छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेना ज्यादा सुरक्षित होगा, इस प्रकार कथन 2 गलत है, ठीक है। यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो तो हाथों घुटनों और सिर को, ठीक है, हाथों के बीच रखते हुए सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा, क्योंकि इस स्थिति में आप तरित के लिए लघुतम अर्थात छोटे लक्ष्य बन जाएंगे, अर्थात 3 क्या है, गलत है, तो मतलब इसमें जो आदमी लंबा है उसके लिए दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत, ठीक है। अवैध प्रकाश मतलब लाइट, ठीक है, वस्तु का स्वयं प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वस्तु प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कौन सी वस्तु को देख पाने की घटना संबंधित है, तो 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए, किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है वस्तु का प्रकाश आंखों पर बना है, यह प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 2 सही है, ठीक है, सॉरी विक्षेपण नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हुए दीप्त पिंड है, और जो दूसरी पे प्रकाश पे चमकते तो प्रदीप्त कहलाता है, सूर्य क्या है, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, दीप्त पिंड है, ठीक है, तारा क्या है, दीप्त पिंड है, प्रकाश चंद्रमा क्या है, अदीप्त है, क्योंकि वो अपना प्रकाश लेता है, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने के कारण प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली परिघटना है, विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनों पर विचार कीजिए, इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है,
ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, बात करेंगे, ऐसा प्रश्न है तो बोले दोनों के दोनों सही हैं, दोनों पर सही दोनों कथन सही है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है। ठीक है, इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, आप चलेंगे निम्नलिखित में से कौन नेत्र, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा होता है रंग के लिए, कौन होता है आयरिस होता है, क्या होता है आयरिस। ठीक है, रंग के लिए कौन होता है आयरिस होता है, ध्यान में रखेंगे। एक छोटा इनमें परितरिका नेत्र में मतलब आयरिस में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, जिसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली पुपुल कहते हैं, पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो कि केंद्र पर मोटा उत्तल होता है, जो लेंस प्रकाश की आंखों के पीछे परत पे फोकस करता है, इस परत को रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो छवि कहाँ पे बनेगा, तो रेटिना पे बनेगा, दृष्टि पटल पे बनेगा। ठीक है, रेटिना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है, अंधबिंदु ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा दृक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व्स की संधि पे उपस्थित होता है, इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। कौन सही है, एक दो तीन सही है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। रेटिना की बात करेंगे, ठीक है, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं हिंदी में, ठीक है, यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है, अंधबिंदु ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा दृक तंत्रिकाओं की संधि पर उपस्थित होता है, इस पे बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने के तुरंत ही समाप्त हो जाता है, सारे के सारे कथन जो है चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अब यहाँ पे रेटिना पे बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने के तुरंत ही बात समाप्त नहीं होता, लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ठीक है, इसीलिए नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या से अधिक दर पे किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की भांति फिरती नजर आएगी, मतलब कितना देर, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में, ठीक है, 16 मतलब प्रति 16 या इससे अधिक दर पे किसी गतिशील, अगर मान लीजिए 1 सेकंड में अगर कोई चित्र को अगर दिखा रहे हैं ना, 16 से ज्यादा अगर दिखा दे रहे हैं ना, तो हमको नहीं दिखेगा, मतलब 1 सेकंड में मैक्सिमम किसी चीज को 16 बार हम लोग को पड़ता है, अगर 16 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वेक्टर से चलता फिरता कुछ नजर आएगा, उसका तस्वीर हमारे छवि पे नहीं बन सकता है। ठीक है, तो वो 1/16, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सामान्य नेत्र दूरी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है, वह न्यूनतम दूरी जिसमें नेत्र वस्तुओं का स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, लेकिन ध्वनि की कितनी होती है, स्पष्ट ध्वनि का न्यूनतम दूरी ऐसा 17 मीटर होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पैरामीटर हाँ ठीक है, मोतियाबिंद लेंस, मोतियाबिंद का नेत्र लेंस धुंधला हो जाने के कारण उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है, तो सारे के सारे यस स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट क्या सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं का स्पष्टता से देख सकता है तथा आयु के साथ परिवर्तित होते रहते। ठीक है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी की बात है 25 सेंटीमीटर, मोतियाबिंद वृद्धावस्था में नेत्र का लेंस का धुंधला हो जाने के कारण होता है, इस चिकित्सा प्रकारी चिकित्सक द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जा सकता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आराम से हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है, दूर तथा तो निकट दृष्टि दोष से नहीं, सी चक्षुविकृति व्यक्ति, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब पढ़ लिख नहीं सक मतलब दिख नहीं सकते हैं, विजुअली चैलेंज, विजुअली चैनल मतलब जो कि आंख से देख नहीं सकते है, ठीक है, यहाँ पे अंधा नहीं प्रयोग किया है, वो शब्द ठीक नहीं लगता है, तो चशु विकृति व्यक्ति, ठीक है, मतलब विजुअली चैलेंज जो लोग होंगे उनके लिए ब्रेल सिस्टम। ठीक है, कितने तारीख को लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं, 4 जुलाई को, कितने तारीख को, 4 जुलाई को मनाया जाए। ठीक है, बेल लिपि दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, आपसे 100% पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो बैल पद्धति में कितने डॉट्स होते हैं, कितने होते हैं डॉट्स, 63 होते हैं, कितने होते हैं, अरे पूछा जाता है ना, वर्ण ही तो एक प्रकार का था, अंग्रेजी में कितने वर्ण, सॉरी अंग्रेजी में कितने वो लेटर्स कितने होते हैं, 26 ही होते हैं ना शब्द, ठीक है, जी उसी तरह सर, इसमें कितने डॉट्स होते हैं, 63 डॉट्स होते हैं, इसी डॉट्स को कनेक्ट करके जो व्यक्ति ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे जंतुओं के, जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते तथा विभिन्न
विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केकड़े के नेत्र बहुत छोटी होती है परंतु चारों ओर देख सकता है। तितली का नेत्र बड़े होते हैं परंतु इसमें सहर्ष छोटे नेत्र से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। उल्लू के नेत्रों का बड़ा कॉर्निया तथा पुतली बड़ी होती है ताकि नेत्र को अधिक प्रकाश प्रवेश करे। तो सारे के सारे सही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, ये आपने कभी केकड़ा का नेत्र देखा नहीं होगा वैसे, ठीक है, उसका बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी चारों तरफ देख सकता है। तितली का नेत्र देखिएगा बहुत बड़ा होता है परंतु सहर्षों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। उल्लू का नेत्र का कॉर्निया का होता बड़ा होता था, सॉरी बड़ा होता था तथा बड़ी पुतली भी होती है ताकि नेत्र के अधिक प्रकाश प्रवेश करके। उल्लू रात में देख सकता है कि नहीं देख सकता यस है? नहीं देख सकता है। रात जो को जंतु देखता रात में है नहीं देख, लेकिन सॉरी दिन को नहीं देख सकता है, ठीक है। रात को देखता है। जो रात को देख सकता है दिन को नहीं देख सकता, वैसे पशु को क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका सोल्यूशन दिया हुआ पढ़ेंगे, क्या सोल्यूशन पढ़ दू, क्या सोल्यूशन देख लीजिए। उपायुक्त तीनों कथन सही है। केकड़ों के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो सहस्रों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने था तो आप पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकता है, ठीक है। तितली पीछे भी देख सकता है 360 पे, ठीक है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया, ठीक है, उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया था बड़ी पुतली होती ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसमें रेटिना में बड़ी संख्या में शालिकाएं होती है तथा केवल कुछ शंकु होते हैं जिस कारण उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं। इसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शालिकाएं कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उल्लू में क्या होता है, तो उल्लू में देखेंगे शालिकाएं कोन सेल और अधिक होती है, रॉड ठीक है, ध्यान सेल में रखेंगे। होते अब शंकु केवल कुछ ही शंकु होते हैं, शंकु कम होता है शालिकाएं ज्यादा होता है, इसलिए रात में देख सकते हैं दिन में नहीं। अब चलेंगे तारे और सौर परिवार, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 क्लास 8। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की प्रक्रिया पूरी करने पर अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सही है, ठीक है। इसकी पूर्ण परिक्रमा वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। यह पूर्णिमा दूसरी पूर्णिमा के अभी 29 दिन के से कम होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 29 दिन से अधिक होती है, ठीक है। क्या है सही? तो कथन एक सही है, चंद्रमा पृथ्वी की प्रक्रिया पूरी करने का अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है, ठीक है। कथन दो गलत है क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण चक्री का वाला दिन पूर्णिमा कहलाता परंतु यह पूर्णिमा के दूसरी पूर्णिमा का अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है, परंतु कैलेंडरों में इस अवधि के लिए 1 माह कहते हैं। पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा चमकीला भाग घटता जाता है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश अपना प्रकाश नहीं होता, हमें वही भाग दिखाई देता है जिस भाग से सूर्य का परावर्तित हम तक पहुंच पाता है, ठीक है। पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि इस दिन क्या, इस दिन मतलब चंद्रमा विलुप्त हो जाता है, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का, ठीक है, अमावस्या का अगला दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग प्रकाश में दिखता है, इसे बाल चंद्र न्यू मून डे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। धीरे धीरे बढ़ेगा फिर मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे, ठीक है। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे, किसने उतरे, दूसरा व्यक्ति कौन था, एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। क्या नाम था इसका, एल्डविन एल्ड्रिन। किससे रॉकेट से गया था, अपोलो 11 से, किससे गया, अपोलो 11 से गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और किससे गए थे, अपोलो 11 से गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारे, हाँ, चंद्रमा का पृथ्वी से कितना प्रतिशत भाग दिख सकता है, सर एक ही पार्ट दिखता है हम लोग को हमेशा। 57% सा दिखता है ना, 57 की 59, 57 ना। तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तारों के बीच दूरी, ठीक है, तारों के बीच दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कथन है कि तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं यद्यपि उस समय सूर्य की प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे पूर्व की पश्चिम की ओर गति करते हैं, प्रतीत होते हैं। कैसे गति करता प्रतीत होता, पूर्व से पश्चिम, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता था। कथन दो सही है, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट के अप्रोक्स में लगता है। दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। या फिर कहीं पे 500 सेकंड भी दिया रहता था, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
सर 59% था सर, वही तो बोला 57-59 में हम कंफ्यूज कर रहे थे, आपने बोला 59%। ठीक है, कहीं कहीं पे 57 भी लेता है, लेकिन सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है, बात सही है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इनकी कक्षा में तल के लंबवत नहीं होता, ठीक है, लंबवत बिल्कुल ठीक है, लंबवत नहीं होता। कैसा होता भाई, कैसा होता है, ईसा करता है, ईसा ये क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ वृत्ताकार कैसा करता है, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल बोलते हैं, वो एलिप्टिकल होता है, ठीक है ध्यान रखेंगे, पढ़ दे रहा हूँ सोल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन इसकी कक्ष में लंबवत नहीं होता, इसका अपने अक्ष पे झुकाव पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, पृथ्वी का झुकाव 27.5 डिग्री है। ठीक है, विश्व वृत्त के तल में पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं, तथा वो तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे के 27.5 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं, इसका तत्व है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 ठीक है डिग्री कोण पे झुका हुआ है। ध्रुव के तारे के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए, सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, यह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता, क्या बताएंगे, तो तीनों के तीनों कथन सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है, सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष पे ठीक है दिशा में स्थित है, इसी कारण ध्रुव तारा गति करना प्रतीत नहीं होता, साथ ही यह दक्षिणी गोलार्ध में भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर को सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। ठीक है, कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी में डब्ल्यू तथा एम के बिगड़े अक्षर जैसा दिखाई देता, कौन सही है, तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे तो सही है। ठीक है, सभी कथन सही है। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। ठीक है, तारामंडलों की आकृति उन व्यक्तियों के सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी, जैसे सर्वाधिक तारामंडलों में एक अर्सा मेजर जो सप्तऋषि कहते हैं अर्सा मेजर को, ठीक है, बिग डियर, बिग डीपर या फिर ठीक है ग्रेट बियर भी कहते हैं, सर्वाधिक सर्वविख्यात तारामंडलों में अर्सा मेजर को सप्तऋषि, बिग डियर या फिर बिग डीपर भी कहते हैं। ओरायन प्रकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है, इसे शिकारी भी कहते हैं। ओरायन आकाश के उत्तरी भाग में प्रमुख तारामंडल में, ठीक है, कैसियोपिया है, कैसियोपिया का अंग्रेजी में डब्ल्यू या फिर एम के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है, इंपोर्टेंट है, कैसियोपिया का आकृति कैसा है, एम या डब्ल्यू, ठीक है। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों में दिखाई नहीं देते, जिन तारों का मिलकर तारामंडल बना होता वह हमसे समान दूरी पर नहीं होते, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, ठीक है ध्यान में रखेंगे। हजारों तारों का समूह को क्या बोलते हैं, तो तारामंडल बोलते हैं। तारों और ग्रह के अंतर के संदर्भ में निकट में विचार करें, तारों का अपना प्रकाश होता जबकि ग्रहों का नहीं होता, ठीक है, तारे टिमटिमाते जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बल्कि ग्रह के अपेक्षा तारों की स्थिति में परिवर्तित होता रहता है, नहीं ठीक है, केवल एक एक दो सही है। ठीक है, ग्रह में भी परिक्रमा, ग्रह क्या करता है उसमें क्या होता है, तो उसमें प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रह क्या करता है ना, चक्कर लगाता सूर्य का, इसलिए इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। घर बैठे का तारे टिमटी बात है जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, कथा दो सही है, तीन गलत है, क्योंकि तारों की अपेक्षा सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, ना कि ग्रह की अपेक्षा तारों की, ठीक है, तारा फिक्स है जबकि ग्रह क्या है वो अपना स्थिति बदलते रहता है। सूची दो को सूची एक से मिलान करना है, बुध की बात करेंगे तो सूर्य का निकटतम, ठीक है, शुक्र की बात करेंगे तो राति के समय सबसे अधिक चमकीला, ठीक है, बृहस्पति की बात करें सौर परिवार का सबसे बड़ा, यूरेनस की बात अपने अक्ष पे अत्यधिक झुकाव, ठीक है, इसीलिए इसको अरुण को क्या अत्यधिक झुकाव के कारण क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे कथन सही है, एक दो तीन चार ही सही होंगे। ठीक है, चलिए बताना है निम्न से कौन सा युग्म सही है, पृथ्वी नीली, मंगल लाल, शनि पीला, बात सही है क्या, तो सही है, ठीक है, सबका रंग है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रह में से कौन सा भारत के द्वारा प्रमोचित पहला ग्रह था, तो पहला हम लोग ने आर्यभट्ट को भेजा था, कब भेजा था, तो 1975 में भेजा था, तारीख साथ 26 अप्रैल थी क्या, नहीं दिया। क्षुद्रग्रह धूमकेतु उल्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होता है, बिल्कुल, धूमकेतु परिवलीय कक्षाओं से सूर्य की परिक्रमा करते, बिल्कुल ठीक है, उल्का को टूटता हुआ तारा पे शूटिंग स्टार कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, धरती पे गिरती है तो हम लोग मन्नते मानते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धूमकेतु परिवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ध्यान में रखिएगा। क्षुद्रग्रह जो होता है
मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होता है। इसको इसको मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा बिल्कुल सही है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा जो है हमारा कौन है, अल्फा सेंचुरी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कौन है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। इसको डॉग स्टार भी कहते हैं क्या? नहीं, डॉग स्टार अलग है अच्छा सर। अच्छा देखेंगे, अल्फा सेंचुरी तीन तारों से मिलकर बना है, ठीक है, दूसरा निकटतम तारा, एक अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी तीन, अल्फा सेंचुरी को प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, ठीक है, ये सबसे निकटतम होता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें, अल्फा सेंचुरी ए तथा बी चमकीले, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी कम चमकीला। देखिए कितना बढ़िया बात दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अल्फा सेंचुरी तीन भाग ए बी सी में है, ठीक है, ए बी सी में, उसमें से ए बी जो है अधिक चमकीला है, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी कम चमकीला। इन तारों में प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकट है, वही मैं कह रहा था, सबसे निकट। ये सामान्यतः देखने में एक ही दिखाई देते हैं तथा मिलकर सीरियस और कैनोस के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चमकीला सीरियस है, उसका कैनोपस है, तीसरा नंबर पे परिक्रमा, तीसरा नंबर पे अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो सबसे अधिक सीरियस, सीरियस को कौन सा स्टार बोलते हैं, तो डॉग स्टार भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। कितने चैप्टर भाई इसमें, चैप्टर नंबर 18 पे आते हैं। पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैस निकलती है, इन गैसों का मुख्य क्या है, क्या क्या निकलता है पेट्रोल तथा डीजल से, तो ध्यान में रखिएगा, इससे सर निकलेगा एक दो तीन, ठीक है, सीएफसी नहीं निकलता पेट्रोल डीजल से, ठीक है, सीएफसी कहाँ से निकलता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से, आप लोग जो बॉडी स्प्रे सर इत्र वगैरह प्रयोग करते हैं, सो एयर कंडीशनर तथा एरोसोल के फुहार में होती, या मंडल के ओजोन परत को क्षति पहुंचाता, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आते हैं ओजोन परत सूर्य के आगे हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है, बिल्कुल सही है। धुएं में नाइट्रोजन का ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों का कोहरे से मिलकर धूप कोहरा हो बनाता है, ये भी सही है। धुएं में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, पेट्रोलियम परिष्करण शलाएं, मतलब किसे क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनरी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। पेट्रोल तथा डीजल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जब अपूर्ण दहन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्या सही है, निम्न कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो यही गलत है, ठीक है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ओजोन परत के आने वाले हानिकारक खराब अग्नि किरण से बचाव करती है, बिल्कुल ठीक है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों के कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनाते हैं, और SO2NO2 जब मिलेगा तो क्या होगा, SO2NO2 मिलने से सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलने से क्या होगा, ये सर अम्ल एसिड वर्षा रेन होगा, क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा, बिल्कुल पेट्रोलियम परिसंकरण शलाएं, मतलब रिफाइनरी, सल्फर डाइऑक्साइड और डिस्टिलेशन नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी, हाँ, गैसीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है, बिल्कुल यही एसिड रेन करवाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वैश्विक, ठीक है, उष्मन, ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या वैश्विक उष्मन को क्या बोले, ग्लोबल वार्मिंग कौन योगदान देता है, तो मीथेन है, जल वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रदूषक नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कुछ तालाबों में जल देखने में हरे रंग का प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान में रखेंगे, जल शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण हरा रंग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये किसका, ये शैवाल जो होते किसके मतलब इंडिकेटर है, प्रदूषक का प्रदूषण प्रदूषक का, बिल्कुल ठीक है, वो भी कौन प्रदूषक का, वायु प्रदूषण का, ठीक है। विभिन्न वायु प्रकार के प्रदूषण उर्वरकों का प्रयोग खेतों में होता है, ये उर्वरक जल के साथ मिलकर जलाशय, नदी, नालों, तालाबों में पहुंच जाता है, साथ ही ये भूमि में गिरकर भौम जलस्थल को प्रदूषित भी करते हैं। इस उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट तथा फॉस्फेट जैसे रसायन तालाब के जल में मिल जाते हैं, जो पोषकों की वृद्धि के कारण शैवाल तेजी से उगने लगता है। शैवाल सामान्यतः हरे रंग का होता है, जिसके कारण संपूर्ण तालाब का रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे पौधा तथा पशुओं में, ठीक है, आबिष्टता उत्पन्न हो जाती है, अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लीयता में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी, ठीक है, जलाशयों की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है। जल में नाइट्रेट एवं फॉस्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, बताइए निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, था डी गलत है, अभी ऊपर में पढ़े ना, क्या चीज के लिए होता है, ये नाइट्रेट एवं फॉस्फेट जैसे रसायन तालाब में जल मिल जाते हैं तो पोषक के तत्वों की वृद्धि, शैवाल तेजी से उगने लगता है, ठीक है, तो ध्यान में शैवालों के वृद्धि के लिए हानिकारिक नहीं है, इसके लिए फायदेमंद है, क्या है, शैवाल के वृद्धि के लिए नाइट्रेट एवं फॉस्फेट रसायन जो है फायदेमंद है, ना कि हानिकारक है, बाकी सारे के सारे, क्योंकि जल में नाइट्रेट फॉस्फेट रसायनों की अधिकता शैवालों को पोषण प्रदान करता है, इस प्रकार वृद्धि के हेतु लाभदायक है, बाकी सारे के सारे कथन क्या है, होता है। इसी के साथ क्लास 8 का समापन हुआ, क्लास
कल क्लास 9 के साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। क्लियर।